रामबाग इलाके में जगह के विवाद को लेकर एक महिला की हत्या का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि 38 वर्षीय महिला आरती निकोलस रामबाग दहीगर झंडा के पास इमामवाड़ा निवासी की उसी के घर के पास रहने वाले आरोपी बादल राजू कुमरे ने उसकी चाकू से घोप कर हत्या कर डाली। मृतक महिला के परिजनों का आरोप है कि मृतक आरती बस्ती के अंदर अवैध शराब बिक्री के धंधे के खिलाफ थी। वहीं आरोपी अवैध शराब का धंधा करता है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रामबाग निवासी उमा को 6 बेटियां हैं। आरती उनकी 7वीं बेटी थी, जिसकी शनिवार की दोपहर करीबन 3 से 4 बजे के दरमियान पड़ोसी बादल राजू कुंभरे ने चाकू से सिर, पीठ और पेट पर 5-6 बार वार कर हत्या कर दी। उनकी सभी बेटियों की शादी हो चुकी है। आरती 6वें नंबर की बेटी थी। आरती की 17 वर्ष पहले टीटू निकोलस से शादी हुई थी। आरती को 16 वर्षीय अलेक्स और 10 वर्षीय एलन नामक बेटा है। आरती 7 साल से अपनी माँ उमा के पास रहती थी। उसके दोनों बेटे उसके पति टीटू के पास रहते हैं। आरती की माँ के घर के पास बादल कुमरे का मकान है। उसके मकान का काम शुरू है, इसलिए टीन शेड डालकर वह उनके घर के सामने रहता है। शनिवार की दोपहर करीब 12 बजे उमा को आरती और बादल की माँ सुषमा कुमरे के बीच विवाद सुनाई दिया। इस दौरान सुशीला का बेटा बादल भी वहाँ पहुँच गया। उसने अपनी माँ से कहा कि तू इसके पीछे मत लग, मैं पेट्रोल डालकर घर ही जला डालता हूँ। यह कहते हुए गाली गलौज करने लगा। तब आरती ने उससे कहा कि तू बार बार धमकी देता है, तेरे खिलाफ थाने में शिकायत करती हूँ। यह सुनकर बादल और गुस्सा हो गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। आरोपी बादल पर इससे पहले भी हत्या के प्रयास का एक और मामला दर्ज है, जब वह नाबालिग था। बस्ती में विवाद होता देख धर्मा बागड़े बीज बचाव करने गया, तब विवाद शांत हो गया। दोपहर करीब 3 बजे आरती ने जोर से माँ से कहा कि तू अब डर मत, मैं थाने में अर्ज देकर आई हूँ। एक आमचं इकडे बादल राजू कुंभरे आणि एक बाजूलाच त्याच्यावाटेने एक आरती निकोलस अशी महिला राहत होती। दोघांचा पण एक यांचं घर बनवतात बादल कुंभरेचं, त्याकरता त्याने एक झोपडी अतिक्रमण करून ते कॅपिटल हाईटच्या बाजूला ठेवली होती, लावली होती। आणि आता सध्या त्याचं बांधकाम सर्व संपलं होतं, स्लॅब पण झाला नाही याच्यामध्ये। तर आरतीचं असं म्हणणं होतं की बा मला ही झोपडी दे, त्याच्यामध्ये मी दुकान लावणार आणि तुम्ही त्याच घर बांधलं ते शिफ्ट होऊन जा। त्याच कारणावरून त्यांचे वाद झाला, आधी पण वाद झालेला होता। सकाळला मध्यस्थी झाली लोकांची आणि ते सोडवण्यात आले। आणि त्याच्यानंतर त्यांनी राजू कुंभरेंनी पुन्हा अजून इकडनं आपण त्याची त्याला आता हे करायचं आहे, कारवाई करायची आहे म्हणून तसं मोठ्या मोठ्याने ती आरती म्हटली शिवगाळ झाली। तेवढं तर 3:15-3:30 राजू कुंभरे आला आणि डायरेक्ट त्याला जी आरती आहे आईसोबत आपल्या बाजूचंच आई राहते ती आता जेवणचा कुत्र्याला जेवण चालवत असताना पकडलं आणि त्याने चाकूने त्याच्या पाठीवर, मानेवर आणि डोळ्यावर मारलं आणि ती जखमी झाली। जखमी असताना त्यांना मेडिकल हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आले होते। आरती अपने घर के पास श्वान को बैठकर खिला रही थी। 10 मिनट बाद बादल कहीं से लौट कर आया। वह घर में गया और चाकू लेकर आरती पर लगातार वार करता रहा। माँ ने आरती को बचाने की कोशिश की तो वह उन्हें भी धमकाया कि तेरा भी मर्डर कर दूंगा। आरती को उसकी बहन जयश्री ठाकरे और मंजूषा मोरे ने मौके पर पहुंचकर उसे मेडिकल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सा अंसारी, BCN न्यूज, नागपुर।